GoPro. Trip, na? मैंने खींचा नहीं. First waterfall. आज है 30 दिसंबर और कल हम गए थे क्या कहते हैं आपका पांडो खोली. तो रात में हम यहीं रुक गए थे द्वाराहाट में. तो आज हमारा क्या प्लान है, आज हम जाएंगे चौपता जाने का हमारा प्लान है. तो अराउंड अभी हम निकलने वाले हैं 5-10 मिनट के अंदर. तो हमारे साथ है हमारे बड़े भाई साहब नयाल जी, ललित दयाल जी, और साथ में हमारे हैं पंकज भैया. हाय. मतलब पवनेश शर्मा जी, इंस्टाग्राम में इनको फॉलो करना है. आईडी क्या है आपकी? पवनेश शर्मा वन इंस्टाग्राम आईडी. साथ में हमारे हैं अजय डोगरा जी, एजे अजय राणा जी, और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं कमलेश मिश्रा जी. हेलो. मिक्की मिश्रा. तो जो होटल में हम रुके थे तो कुछ इस टाइप का नज़ारा है, आप देख सकते हो व्यू. ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन रुकना था, रात में स्टे करना था, तो हम यहीं रुके थे. अब हम मूव ऑन करेंगे यहाँ. मेरे हुए थे सुबह हुआ सुबह. बैग सारे रख लिए थे ना? तू देख अपना, तेरा सब है, मेरा सारा सामान है. GoPro. First waterfall in our trip, ना? मैंने खींचा नहीं. जा वहाँ से क्लिक कर. हाँ. शाम के 4:00 बजकर 15 मिनट हो गए और हम पहुँच गए. बक्कू से 10 किलोमीटर पहले और एक वाटरफॉल दिखा हमको बहुत ज़्यादा. और वाटरफॉल के ठीक थोड़ा सा आप इधर देखेंगे, थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो ये देखिए वो कितना. पंच केदार रोड दिख रहा है, वहाँ जाना नहीं है. और थोड़ा सा हमारा रास्ता बचा हुआ है, लगभग हमारा 44 किलोमीटर के आसपास का रास्ता बचा हुआ है. तो रास्ता अगर करते हैं और पहुंचते हैं हम अपने चोपता और देखते हैं क्या स्टे मिलता है रहने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने कोई अपना अरेंजमेंट करा नहीं था रहने के लिए. तो अरेंजमेंट ढूंढते हैं पहले अपना. मजाक ही बोलते हैं, बहुत मजाक कर रहे हैं मेरे साथ. बट अगर हम टाइम
सॉरी गाइस, वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा था कि हम चोपता पहुंच नहीं पाए थे कल रात, तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। तो इसमें क्या था, जो हम थे हम चोपता से 16 किलोमीटर पहले, और उखी मठ जो जगह पड़ती है उखी मठ से अराउंड 11 किलोमीटर पहले हम चोपता हिट्स में रुक गए थे। तो ये जो रास्ता है यहाँ से हम आए थे, और जो ये रास्ता है, ये रास्ता जाता है चोपता को, और ठीक है इसके पीछे जो ये वाला रास्ता है, ये रास्ता जाता है आपका केदारनाथ को। तो हम जो आए थे पीछे वाले रास्ते से, जो 10 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है इस रास्ते से, तो मैं आपको वो व्यू दिखाना चाहता था जो इसके ठीक पीछे था। तो मे बी अगर पॉसिबल हो तो ये व्यू देख रहे हैं आप। ये पूरा जो था, ये सारा हिमालयन केदार रेंज का पहाड़ है। तो मैं आपको ये व्यू दिखाना चाह रहा था, और पानी की बहुत दिक्कत है। एक तो पानी की यहाँ बहुत दिक्कत है, -2 डिग्री सेल्सियस रात में यहाँ टेम्परेचर था, तो पानी पूरा जम जाता है, पूरा बर्फ़ बन जा रहा है, पाइप सारी बर्फ़ से बंद है। और साथ में एक दिक्कत और है यहाँ कि यहाँ क्या कहते हैं, आपको लाइट नहीं मिलेगी ना यहाँ, जिस जहाँ पे हम हैं उखी मठ से शायद 5-6-11-12 किलोमीटर हम पहले बाद में अगर ये रुके हुए हैं, और ऊपर चोपता में भी लाइट की कोई वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो पावर बैंक अपने साथ लेके आएँ चार्जिंग के लिए, और वरना आप बिना चार्ज लाइट के बेकार है। सामने ये चोपता है, चोपता हम पहुंच गए हैं। अब हम ऊपर को ट्राई करते हैं तुंगनाथ को जाने के लिए। तो एंट्री पॉइंट में पहुंचे हम, तुंगनाथ को पहुंचेंगे अभी, तुंगनाथ के लिए ट्रैक करेंगे। सीधा व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है। ये सामने मंदिर है, और यहीं से रास्ता जाता है आपका तुंगनाथ मंदिर का, तुंगनाथ और चंद्रशिला टॉप का। तो अभी हम यहाँ से ऊपर को जाएंगे, ट्रैक करेंगे। GoPro किस उड़ गया था उसका, मजाक ले रहे यार, चढ़ रहे हैं अभी ऊपर, देखे जी छाती घुस जाएगी, जहाँ उसकी जन जाएगा वहाँ मरेंगे। इधर से आओ भैया, भैया ये, भैया ये लो, इधर से आओ, ये लेके इधर से, हाँ हाँ इधर से आओ, हाँ यहीं से ले लो। मिक्की यहाँ से जहाँ से, हाँ हाँ जहाँ से भैया, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ट्रैक। क्या करूँ, पकड़ूँ लकड़ी को टांगना उस पे।
अरे ये कुत्ते कैसे सोए हैं। आधा रास्ता हमने पार कर लिया अभी और लगभग लगभग अभी एक घंटे का रास्ता और है। लगभग ये मान के चलिए आप कि 3 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है, उसके बाद तुंगनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे हम। तुंगनाथ मंदिर से कम 1.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो चंद्रशिला टॉप का है। तो रेस्ट करने के लिए अभी हम रुके हुए हैं और खूब बढ़िया नज़ारा, सामने पहाड़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस आधा किलोमीटर का ट्रैक और है फिर पहुंच जाते हैं। वो मंदिर वो चंद्रशिला टॉप, हाँ अभी ऊपर लिखा है किस चीज़ का, उधर बोर्ड है वो ढक गया होगा बोर्ड भी अभी तो। यार नॉलेज ना फोटो देख के वापस आ जाएगी। अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि चंद्रशिला टॉप की ट्रैकिंग करने के लिए कोई भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तुम ना ट्रैक कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर गियर है तो आप चंद्रशिला टॉप भी कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर किट नहीं है तो आपको चंद्रशिला टॉप का ट्रैक करने नहीं दिया जाएगा, अफसोस की बात। सामने भोलेनाथ जी का मंदिर है और ठीक यहाँ पांडवों की मूर्तियाँ हैं। ठीक इसके पीछे पांडवों की मूर्तियाँ भी हैं और पानी जम गया। वहाँ नंदी जी है, नंदी वहाँ है, कितनी बड़ा फर्क है। तुम रुक क्यों गए वहाँ पे उतना देर? ये लोग रुके, हाँ आगे कुछ भी है? है अंदर मंदिर है भगवान मंदिर की बजिया डेढ़ जितने से। बिना जूते उतारे मंदिर नहीं आ सकते हो। जाओ जाओ बॉस पीछे देख के कर लो। कर कर जल्दी कर। भाई प्लीज डंडा इसमें डालो नहीं अनुज कहाँ गया? अनुज 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 खींच दे रहा फटाफट हो रहे हैं।
भाई साहब मंदिर में आज क्या बात होना यार? नहीं नहीं बोलने का मंदिर है, हम आते ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। आओ मत, मंदिर आयो तो तू तो आने पड़ते हैं। कोई मामूली मंदिर नहीं है ये। दोनों का ठीक है। अरे वो तो चिपक गए। मेरी ये है, ये पंकज भाई के पास प्यारे हैं, इतने प्यारे प्यारे लेते हुए आए अपने साथ झंडा लेके। मैं जूते पहन लिए ना, अब नहीं आऊंगा। जूते पहन लिए यार। अरे चलो यहाँ पे, कोई बात नहीं, वो चढ़ा हुआ है, भाई तुम लगाओ झंडा। अरे फोटो वापिस हम आ गए हैं, और इसके बाद अब हमारा क्या रूट है, हम इसका जाएंगे अब ओली को, और ओली के लिए हमको पड़ेगा लगभग 70 किलोमीटर के आसपास, 70-80 किलोमीटर का ओली का ट्रैक रूट है शायद, मे भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब इसको कवर करते हैं, लंच करते हैं, लंच चूँकि हमने करा नहीं था, लंच करके हम आगे को बढ़ेंगे। ट्रिप बहुत बढ़िया था, तो आगे का वीडियो आपको कल मिलेगा।